हाय फ्रेंड्स, मैं कंचा शर्मा जी की वित्तकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस क्लास में आज हम मृदा से संबंधित प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। ये प्रश्न पत्र फर्स्ट का टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये समझिए, इससे आता ही आता है एक प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 3, 5 और 11 नंबर में रहेंगे और ये हमारा जो मेंस की क्लास चल रही थी उसकी 32वीं क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मृदा को समझाकर उसके भौतिक रासायनिक गुण लिखिए। मृदा को समझाकर उसके भौतिक रासायनिक और जैविक गुण लिखिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ। मेरा मध्य प्रदेश भूगोल की ये बुकलेट है। आप अगर मेरा मेंस का पैकेज लेते हैं तो मध्य प्रदेश भूगोल की जो बुकलेट आती है उसमें आपको ये मिलता है। पूरे पैकेज की जानकारी मैं आगे देती हूँ। मृदा किसको कहते हैं? तो प्राकृतिक पिंड जो चट्टानों के अपक्षय के परिणाम स्वरूप विकसित होते हैं। जब चट्टानों का अपक्षय होता है, चट्टानों का क्षय होता है, धीरे धीरे टूटती हैं, तो चट्टानें जब टूट जाती हैं तो छोटे छोटे बारीक बारीक कण हो जाते हैं जो मृदा का रूप धारण कर लेते हैं। तो प्राकृतिक पिंड जो चट्टानों के अपक्षय के परिणाम स्वरूप विकसित होती हैं क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे मृदा के भौतिक गुण। मिट्टी की बनावट इसकी महत्वपूर्ण भौतिक विशेषता है, जो इसके अलग अलग आकार के घटक ठोस कणों के अनुपात पर निर्भर करती है। मिट्टी की बनावट क्या है? इसकी महत्वपूर्ण भौतिक विशेषता है, जो इसके अलग अलग प्रकार के घटक ठोस कणों के अनुपात पर निर्भर करती है। 3 प्रकार के होते हैं ये जो कण होते हैं। एक होती है रेत, एक होता है गाद और एक होता है चिकनी मिट्टी। तो मिट्टी की बनावट क्या होती है? उसकी महत्वपूर्ण भौतिक विशेषता है, जिसके आधार पर हम निर्धारण करते हैं, जो अलग अलग आकार की होती है। भौतिक विशेषता मतलब जो हमको बाहर से ही दिखने में पता चल जाती है, जैसे कि रेत हुई, गाद हुई, चिकनी मिट्टी हुई। रेत के कण जो होते हैं सबसे बड़े होते हैं, चिकनी मिट्टी के कण जो होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं। रेत के कणों का आकार 0.05 से 2 mm तक होता है और गाद का आकार 0.002 से 0.05 मिलीमीटर तक होता है। चिकनी मिट्टी का आकार 0.002 मिलीमीटर से छोटा होता है। तो ये इनके आकार होते हैं। अब हम पढ़ते हैं रासायनिक गुण मृदा के। तो मृदा के रासायनिक गुणों के आधार पर उसको 2 भागों में बांटते हैं। देखो, रासायनिक गुण वो होता है जो इंटरनल जो भी चीज़ें होती हैं, प्रोसेस होती है उसकी, केमिकल अंदर से जो हम किसी का कण लेकर उसकी जब पहचान करते हैं तो उसके अंदर कौन सा केमिकल है उससे ही हम उसकी पहचान करते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अम्लीय और एक होता है क्षारीय। जिस मृदा में चूने की मात्रा कम होती है, जिस मृदा में चूने की मात्रा कम होती है वो कौन सी कहलाती है? वो अम्लीय मृदा कहलाती है। और जिसमें चूने की मात्रा ज़्यादा होती है वो कौन सी कहलाती है? वो क्षारीय मृदा कहलाती है। तो जिस मृदा में चूने की मात्रा कम वो कौन सी कहलाएगी? अम्लीय मृदा कहलाएगी। और जिसमें ज़्यादा होगी वो कौन सी कहलाएगी? वो क्षारीय मृदा कहलाएगी। अब हम पढ़ते हैं इसके जैविक गुण। तो मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव, जंतु, वनस्पति के अपशेष ह्यूमस का निर्माण करते हैं। अगर ह्यूमस की मात्रा उचित है तो मृदा अत्यधिक उत्पादकता युक्त होती है, और अगर ह्यूमस की मात्रा कम होती है तो मृदा की जो उत्पादकता होती है वो कम होती है। इस प्रकार से हम उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और जैविक गुणों को मृदा के लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, मृदा निर्माण कारक को समझाइए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं मेंस के पैकेज की जानकारी आपको दे देती हूँ। मेरा जो मेंस का पैकेज है 41 बुकलेट आपको मिलेंगी टोटल, जिसमें 12 बुकलेट 3 नंबर की रहेंगी और 29 बुकलेट आपको 5 नंबर और 11 नंबर की मिलेंगी। इसके साथ में आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप मिलेंगे जहां आपको आंसर राइटिंग दी जाती है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें यहां पे इंपॉर्टेंट करेंट डाटा जो आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं वो यहां पे दिए जाते हैं। पूरे के पूरे जो नोट्स हैं हैंड रिटन हैं, प्रश्न उत्तर श्रृंखला में है। हर टॉपिक को प्रश्न उत्तर श्रृंखला में कवर किया गया, किस टॉपिक से कितने प्रश्न बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, जैसे कि मृदा है तो मृदा से संबंधित कौन कौन से बन सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा पैकेज को कंप्लीट किया गया है, और आप कहीं भी भारत में रहते हों आपके पास ये डिलीवर हो जाएंगे बाय कुरियर। आपको पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट देना है, और स्क्रीनशॉट दे जैसे आप मुझे देंगे, ये इसका पेमेंट है, और आप मुझे आप मुझसे पेमेंट नंबर लेंगे, पेमेंट का स्क्रीनशॉट देंगे, देन आप एड्रेस सेंड करेंगे। 8 से 10 दिन में आप जहां भी रहते होंगे आपके घर पर ये डिलीवर हो जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स हैं तो हमको भी कॉपी कराना रहता है। आप लोग जान रहे हैं कि कॉपी का रेट, पेज का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हमारे लिए भी इसकी रेट कम करना अब तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आप ये मंगवा सकते हैं, और हैंड रिटन है, पूरा कॉपी आएगा आपका, कॉपी किया हुआ आपके पास आएगा, मोटी फाइल है तो बाइंडिंग किया हुआ आएगा, स्टेपलर आएगा।
मृदा का निर्माण 5 कारकों से मिलकर बना होता है। किस किस से? आधारीय चट्टान, जो आधार में चट्टानें होती हैं उनसे, जलवायु से, स्थल आकृति से, जैविक पदार्थ से और समय से। ये मृदा निर्माण के 5 कारक हैं जिनसे ये मिलकर बना होता है। आधारीय चट्टान क्या होती है? आधारीय चट्टान क्या होती है? तो मिट्टी के नीचे स्थित चट्टानी संस्तर निर्माण, मिट्टी के जो नीचे स्तर होता है, मिट्टी के जो नीचे सबसे नीचे का जो स्तर होता है वो आधारीय चट्टान होती है। जो चट्टान जब टूटती है तो उसका जो नीचे का जो हिस्सा चट्टान होती है, जैसे कि ये चट्टान है तो अब यहाँ से ये टूट गया है तो ये वाला जो हिस्सा रहेगा नीचे का, ये वाला जो नीचे का हिस्सा रहेगा ये क्या कहलाएगा? आधारीय चट्टान कहलाएगा। और इसका निर्माण जो होता है वो चट्टानों के भौतिक रासायनिक अपचय से होता है। दूसरा है जलवायु। एक ही प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्र में दो विभिन्न प्रकार के जनक पदार्थ एक ही प्रकार की मिट्टी का निर्माण कर सकते हैं। एक ही प्रकार की जलवायु है और दो अलग अलग चट्टानों हैं और उनसे जो मिट्टी का निर्माण हो रहा है तो वो एक ही प्रकार की हो सकती क्योंकि जलवायु एक सी है। पश्चिमी राजस्थान में उदाहरण से समझ सकते हैं, पश्चिमी राजस्थान में बलुआ पत्थर तथा ग्रेनाइट दो अलग अलग हैं पदार्थ, जनक पदार्थ मतलब जिनसे मिट्टी बन रही है, परंतु शुष्क जलवायु के कारण यहाँ एक ही प्रकार की बलुई मिट्टी होती है। तीसरा है जैविक पदार्थ। तो जो कारक में तीसरा कारक है जैविक पदार्थ। जैविक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक वनस्पति और एक सूक्ष्म जीव। वनस्पति में क्या क्या आता है? वनस्पति में आता है वृक्ष, झाड़ियाँ, घास और काई। सूक्ष्म जीव में आता है जीवाणु। फ्रेंड्स, मैं जल्द ही व्यापम की क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ। मैथ्स, रीजनिंग, GK, हिंदी, कंप्यूटर सभी आपको उपलब्ध होंगे क्योंकि व्यापम में बहुत सारी वैकेंसीज आनी है। MBBSC में भी बहुत सारी वैकेंसीज आनी है। हो सकता है कि सीट अभी भर जाए या नेक्स्ट वाले में आए, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, जुड़ जाइएगा। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप में सेव नहीं करवाया है तो अपना नाम लिखकर मुझे व्हाट्सएप में सेव करवा दीजिएगा ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारी मेरे स्टेटस के थ्रू मिलती रहे। तो जैविक पदार्थ में कौन कौन से आते हैं? वनस्पति और सूक्ष्म जीव। वनस्पति जो होते हैं वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति मतलब उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं या पौधों को जीवन दान देते हैं। जैविक पदार्थ हम नहीं डाल देते, खाद डाल देते हैं तो पौधा ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है, अच्छा वो पौष्टिक होता है, इससे रासायनिक क्रिया भी तेज होती है। जीवाणु जो होते हैं ह्यूमस पर जीवित रहते हैं। उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु से जीवाणु अधिक सक्रिय होते हैं। चौथा है स्थलाकृति। तो ऊंचाई, उच्चावच, मिट्टी के जमाव तथा अपरदन पर ये प्रभाव डालते हैं। तेज ढाल वाले क्षेत्रों में अपरदन अधिक होता है। साधारण ढाल मिट्टी के विकास के लिए आदर्श माना जाता है। अगला है समय। तीन अवस्थाएं मृदा विकास के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन कौन सी? युवा, प्रौढ़ और जीर्ण। नदियों और हिमनदियों द्वारा जो निक्षेपित ताजे जलोढ़ मिट्टी है वो युवावस्था की मृदा है। नदियों और हिमनदियों द्वारा जो निक्षेपित ताजी जलोढ़ मिट्टी होती है जो युवावस्था की मृदा होती है, एक लंबे समय के बाद यह प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त करती है। इस अवस्था में जलवायु और जैविक पदार्थों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। जलवायु के प्रभाव से मिट्टी में ह्यूमस तथा रंग आदि मिल जाते हैं और जनक पदार्थ की प्रधानता समाप्त हो जाती है जो जीर्ण अवस्था कहलाती है। जलवायु के प्रभाव से क्या होता है? मिट्टी में ह्यूमस तथा रंग मिल जाते हैं और जनक पदार्थ की प्रधानता भी समाप्त हो जाती है जो जीर्ण अवस्था कहलाती है। तो इस प्रकार से हम अपना ये आंसर को लिख सकते हैं, मृदा निर्माण कारक को। ऊपर मैंने क्या करवाया था आपको कि मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण, ये आपको मृदा की परिभाषा 3 नंबर में भी आ सकती है। इसके बाद रासायनिक गुण या भौतिक गुण कोई भी एक 5 नंबर में भी आ जा सकता है। मृदा निर्माण के अकेले कारक बताओ तो ये 5 कारक याद कर लीजिएगा, ये आपको 3 नंबर में या 5 नंबर में आएगा तो आपको एक एक लाइन इसमें लिख देनी है, और अगर 11 नंबर में आएगा तो आपको जिस तरह से मैंने लिखा है आपको इस प्रकार से लिख देना है। अगला है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अपरदन कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश के 2 क्षेत्रों में सर्वाधिक अपरदन देखा गया है। पहला है चंबल घाटी क्षेत्र और दूसरा है बालाघाट सतपुड़ा क्षेत्र। चंबल घाटी जी, ये मैंने आपको मैप में भी बताया, इसी प्रकार से मैप मेरे नोट्स में यूज़ किया है। जहाँ पर ज़रूरत है साइड में एक छोटा सा मैप आपको फिट कर देना है, उससे क्या होता है ना, चेक करने वाले को पता रहता है कि इनको पता है कि मैप कहाँ पर बनाना है और कहाँ पर कौन सी चीज़ें, चंबल कहाँ पर है या बालाघाट सतपुड़ा क्षेत्र कहाँ पर है। तो चंबल घाटी क्षेत्र मृदा हानि अवनलिका अपरदन द्वारा जिसके कारण उत्खात भूमि का निर्माण मतलब बीहड़ भूमि का निर्माण हुआ है वो चंबल घाटी क्षेत्र कहलाता है। बालाघाट सतपुड़ा क्षेत्र, इसका कारण क्या है? बहुत ज़्यादा वर्षा है,
और चंबल घाटी क्षेत्र का क्या कारण है कि वो जो ऊपर का मैदान है, चंबल के ऊपर जो मैदान है गंगा ब्रह्मपुत्र का, वहाँ से मिट्टी जो बह के आती है नदियों द्वारा, तो उसके कारण क्या होता है वहाँ पे कड़े खट्टे हो गए जिसके कारण वो बीहड़ भूमि बन गई है। उसके जो बालाघाट सतपुड़ा का क्षेत्र है वो क्यों वहाँ पर अपरदन होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, वर्षा के कारण सब कुछ बह जाता है। अधिक वर्षा के कारण मृदा की उर्वरकता में भी कमी आ जाती है और जिससे मृदा में अपरदन में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से हम मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अपरदन कहाँ होता है लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेंस की बुकलेट और ग्रुप नेम है, आप मुझे व्हाट्सअप करके आप इनसे जानकारी भी ले सकते हैं। ये एमपी पटवारी के नोट्स हैं, अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ये पटवारी भर्ती के नोट्स ले सकते हैं। 9 बुकलेट में पूरा सिलेबस कवर रहेगा और ये भी आपके घर आप मंगवाना चाहते हैं तो आपके घर आ जाएगा। मेंस की आपको सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी, अगर आप मेंस नोट्स की सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं तो आप खुद कॉपी करा सकते हैं, तो आप सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।